हरियाणा की सबसे तेज तर्रार और बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी को प्रदेश में खड़ा करने वाले नेता हैं अनुराग ढांडा। अनुराग ढांडा ने अपने करीब 2.25 साल से भी कम समय में राजनीतिक सफर के दौरान प्रदेश के 3000 गांव में जनसभाएं कर आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया है। अनुराग ढांडा निरंतर प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पर आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। अनुराग ढांडा अपने राजनीतिक जीवन के पहले चुनाव की ताल कलायत विधानसभा में ठोक रहे हैं। अनुराग ढांडा ने पत्रकारिता में 16 सालों के दौरान विभिन्न नेशनल चैनलों में काम किया। अनुराग ढांडा को बेबाक रिपोर्टिंग के लिए 2009-10 में मातृश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अनुराग ढांडा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ है। उनके पिताजी प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं और माताजी उप शिक्षा अधिकारी रिटायर्ड हैं। अनुराग ढांडा की शुरुआती स्कूल शिक्षा कलायत शहर के प्राइमरी स्कूल से हुई। इसके बाद कुछ समय नरवाना और फिर रोहतक शहर में 10वीं और 12वीं कक्षा पास की। 2004 में वेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान अनुराग ढांडा भाषण कविता पाठ और श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता में इंटर यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल पर चैंपियन भी रहे हैं। 2005-06 में उन्होंने HP कंपनी के प्रोजेक्ट में काम किया। इसके बाद अनुराग ढांडा ने डिस्टेंस एजुकेशन के तहत गुरु झम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस मास्टर डिग्री की। अनुराग ढांडा ने 2006 से 2022 तक आज तक जी न्यूज और न्यूज 18 इंडिया में बतौर सीनियर पत्रकार काम किया। अनुराग ढांडा ने अप्रैल 2022 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा जब आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनुराग ढांडा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अप्रैल 2023 से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अनुराग ढांडा हरियाणा में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा को पार्टी ने कलायत हल्के से टिकट दी है। पहली 20 उम्मीदवारों की लिस्ट में अनुराग ढांडा का नाम आते ही पार्टी के कार्यकर्ता बधाई देने के लिए कैथल हुड्डा सेक्टर 18 के जानकी कोठी पहुंचे और उन्हें बधाई दी। अनुराग ढांडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आप पार्टी ने 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसका मैं स्वागत भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि कलायत हल्का जनता इस बार बदलाव चाहती है। उन्होंने सभी पार्टियों का राज देख लिया, इस बार आम आदमी पार्टी की बारी है।